नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आम का मौसम है तो आम लेकर के आई हूँ। ये मेरे मायके का आम है, जो दरभंगा में पेड़ सब है वहाँ का। ये भाई तुड़वा रहा है आम सब, ज़्यादा नहीं है, चार पांच पेड़ ही है, क्योंकि शहर में तो जानते ही हैं कितना कम पेड़ होता है। तो सारा आम तुड़वा रहा है भाई। कई दिन से जा रहा था, तोड़ने वाले नहीं मिल रहे थे, पर आज मिला है तो वीडियो बना के भेजा है। आप लोग भी इंजॉय कीजिए। देखिए, गुच्छे में आम हो रहा है, फला है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग मुझ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक फॉलो कर दीजिए। और रिक्वेस्ट है एक आप लोगों से कि सिर्फ कमेंट करने के लिए ही वीडियो पे ना आए। बहुत लोग सिर्फ कमेंट करने ही वीडियो पे आते हैं। उन लोगों सब का नाम मैं जान चुकी हूँ, मिलेंगे तो मैं उन लोगों से ज़रूर बात करूँगी कि ऐसा वो क्यों करते हैं। मैं उनके वीडियो पे ऐसा नहीं करती। तो जो कर रहे हैं वो तो खुद जान रहे हैं, तो प्लीज़ सावधान हो जाए। सिर्फ कमेंट करने के लिए वीडियो पे ना आए। अगर सिर्फ कमेंट करने के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ कमेंट करने हमारे वीडियो पे ना आए, वीडियो ख़राब हो जाता है। तो चलिए, मैं अपनी बात लेकर के अब आगे बढ़ती हूँ। ये आम का बागीचा देखिए, सात आठ पेड़ है शायद यहाँ पे। ये मेरा छोटा भाई है जो वीडियो बना करके भेजा है, बहुत सहयोग करता है ये। तो देखिए, गुच्छे में आम है, इतना आम तुड़वा चुका है थोड़ा सा, पर इस बार आम का फसल उतना अच्छा है नहीं। सारे आम में पकने के बाद कीड़े हो रहे हैं, अब किस कारण से हो रहे हैं ये पता नहीं है। बहुत लोग आम के पेड़ में दवाई डलवाते हैं, हमारे यहाँ दवा नहीं डलवाया जाता, क्योंकि बोलते हैं कि नेचुरल ही रहना चाहिए। तो इस बार आम का फसल का ये नॉर्मल लोगों का कंप्लेन है कि आम में कीड़े हो रहे हैं। तो चलिए, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, गुच्छे में आम है, तो भाई धीरे धीरे तुड़वा रहा है। आज तीन दिन से जा रहा था, पर आम तोड़ने वाले कोई मिल नहीं रहे थे, क्योंकि आम तोड़ने वाले को तो तरीका आता है तोड़ने का, इसलिए तो आज मिला तो तुड़वाया है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो पूरा वॉच करें, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।